पहुंच चुके हैं और सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों देखो, सुबह के 5 बज चुके हैं और हम सब रेडी होकर रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं। देखो, बारिश शुरू हो चुकी है और लोकल भी आ चुकी है हमारी। दोस्तों शिवाजी नगर जा रहे हैं और आज का प्लान काफ़ी सही है। दोस्तों हम जा रहे हैं श्रावण में भीमा शंकर दर्शन के लिए। तो सब लोग वाकड़ेवाड़ी बस स्टॉप पे आ चुके हैं। यहीं से ही बस है हमारी भीमा शंकर की। 6 बजे की तो मिस हो गई है, अभी 7:15 बजे की है तो वो मिल जाएगी। देखो सब लोग फुल जोश से दोस्तों सुबह सुबह रेडी होके आ चुके हैं और हर हर महादेव के गूंज उठ रही है और बस में भी उठेगी दोस्तों। तो चलो, ये देखो भीमा शंकर यहाँ पे लगती है बस, तो यहीं पे वेट करते हैं। अभी फ़िलहाल तो नहीं लगी है, देखते हैं, इंक्वायरी वगैरह करते हैं। दोस्तों देखो, ये लोग नाश्ता करने गए थे और मैं अकेला बैठा था बस स्टॉप पे क्योंकि भूख नहीं थी मुझे और इनको नाश्ता करना था तो इसीलिए गए थे। लेकिन बस लग गई थी तो अचानक कॉल किया, तो देखो इन्होंने पार्सल ही ले लिया है। सब लोग पोहा खा रहे हैं यहाँ पे। तो हाँ, बस में जगह मिल गई, अच्छी बात है क्योंकि 3-4 घंटे का दोस्तों प्रवास है तो उसमें तो मतलब खड़े रह के जाना बहुत बड़ी चीज़ है, इसीलिए सीट मिल गई, वो तो भी अच्छा है। फाइनली बस भी निकल चुकी है और इनका पोहा तो ख़त्म होने का ही है, क्या करें। तो चलो अभी चलते हैं दोस्तों फटाफट। बीच बीच में दोस्तों सफ़र काफ़ी सही होने वाला है क्योंकि भीमा शंकर का जो दोस्तों सफ़र है 110-120 किलोमीटर का, उसमें बहुत से ऑब्स्टेकल्स है और बहुत सही मौसम है उधर का दोस्तों, तो दिखाऊंगा मैं। तो चलो अभी फटाफट चलते हैं। यहाँ पे देखो, मतलब हमने पुणे क्रॉस कर लिया है, मंसर की तरफ जा रहे हैं और काफ़ी सही वातावरण अभी भी लग रहा है दोस्तों देखो। और आगे बताया जा रहा है कि बहुत सा फॉग वगैरह भी है, तो वो भी पूरी पूरी दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। बस व्लॉग में बने रहे दोस्तों। हम भी फोटोशूट वगैरह कुछ, इनको रील बनानी है, रील वगैरह बना रहे हैं। देखो जो नाच रहा था अभी, किशोर वगैरह सब है दोस्तों। ग्रुप 10 लोगों का था लेकिन सुबह सुबह 5 हो गया वो, कोई नहीं, आधे उठे ही नहीं। तो चलो दोस्तों, कितना मतलब ऐसा लग रहा है कि ऊपर मैं ऊपर फुल माहौल है, खतरनाक बारिश, एकदम बारिश आ रही है। लाइक फॉग गाइस, लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो। और हम ऊंची ऊंची वादियों को छू यहाँ पर, बहुत अच्छी तरीके से पानी नहीं आ रहा है लेकिन वादी आ रही है ऊपर। हम ढगों में घुसते हुए सर पे आ चुके हैं, सस्ता सर थे लेकिन मालूम है अच्छा है। और भीमा शंकर यहाँ देखो फुल पावर में आ गए सब, थोड़ा दूर है वहाँ पे भी नजारा इससे भी अच्छा रहने वाला है। तो चलो देखते हैं, अभी चाय वगैरह पीते हैं या फिर रील बनाने बैठ जाते हैं। जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी चाय, वो मिल चुकी है। तो देखो सब लोग चाय पी रहे हैं, तो फटाफट अभी चाय वगैरह पीते हैं दोस्तों। और बस तो है ही अपनी यहाँ पे लगी। और ये देखो सुदर्शन भाई, देखो यहाँ पे जैसे जैसे भीमा शंकर पास में आ रहा है वैसे वैसे बस में भीड़ बढ़ती जा रही है। मतलब जगह नहीं है लेकिन फिर भी लोगों को आना ही है, तो चलो सबको दर्शन के लिए जाना ही है दोस्तों, इसीलिए आ ही रहे हैं। तो दोस्तों देखो, फाइनली भीमा शंकर पहुँच चुके हैं और यहाँ पे देखो खतरनाक तरीके के रेनकोट ले लिए इन्होंने दोस्तों। ये देखो, ये हुशार आदमी घर से रेनकोट लेके आया। तो चलो दोस्तों, अपने पास तो छतरी है,
अच्छी उम्र मेरे पास, तो कोई ज्यादा टेंशन नहीं, अभी चलते हैं फटाफट दर्शन करने। बताइए क्या कुछ होता है आज, बहुत ज्यादा बारिश आ रही है दोस्तों, आप देखते हैं दर्शन हो पाता है क्या, क्योंकि 6 बजे तक लास्ट बस है दोस्तों और 12:30 बज चुके हैं हमको, बहुत ज्यादा फॉग था। तो अभी निकल चुके हैं दर्शन के लिए मंदिर की तरफ दोस्तों, बहुत सी भीड़ तो लग रही है कि... अरे हर महादेव, हर हर महादेव। श्रावण में का आज शनिवार है दोस्तों, तो बहुत लोग इसको भी मानते हैं, इसीलिए देखो बहुत लोगों के मुंह से भी सुना मैंने दोस्तों कि आज भी बहुत ज़्यादा गर्दी है, वो तो महसूस हो रही है। अभी जैसे जैसे मंदिर के पास जाएंगे, जहाँ से लाइन दिखेगी दोस्तों वहाँ से दिखाऊंगा मैं कि कितनी कुछ दूर है। फिलहाल तो दोस्तों 350 स्टेप्स है, वो नीचे उतरना है और उसके बाद मंदिर लगेगा अपने को। तो चलो देखो भीड़ दिख रही है जाने वाले की और आने वालों की भी। तो यहाँ पे तो थोड़ी थोड़ी बारिश लग रही है, लेकिन जैसे जैसे आगे जाएंगे तो शेड बनाए गए हैं, फिर बारिश नहीं लगती। देखो यहाँ से बारिश लगना बंद हो चुकी है, लेकिन लाइन कितनी दूर से है उसका अंदाज़ा लगना शुरू हो चुका है हमें दोस्तों। तो अभी कुछ ना कुछ पहलू बना रहे हैं, बहुत से लोग मिल रहे हैं कि 2 मिनट में दर्शन करवा के देंगे, 500 रुपये दे दो। अभी देखते हैं पहले सिनेरियो क्या है। जैसा सुनने में आ रहा था और अंदाज़ा भी लगाया था, उससे कई गुना ज़्यादा लाइन है बड़ी दोस्तों। बहुत से लोग बोल रहे थे कि 6-7 घंटे में दर्शन हो जाएगा लाइन में लगने के बाद, लेकिन यहाँ पे आने के बाद सिनेरियो ऐसा लग रहा है कि 10 घंटे मिनिमम तो लग ही जाएंगे दोस्तों, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है। और ये भीड़ श्रावण में होती है, हर साल होती है। वहाँ के जो शॉपकीपर से उनसे पूछा कि भैया 6 बजे की बस मिलनी है तो लाइन में मत लगो, या फिर 500 रुपये दो या फिर मुख दर्शन करके चले जाओ। देखते हैं अभी दोस्तों कैसा होता है। सामने वाले जो भैया लोग थे जो 500 रुपये मंग रहे थे, उनकी बात अभी कहीं ना कहीं सच लग रही है, लेकिन देखते हैं। ये देखो आजू बाजू में फुल प्रसाद वगैरह के स्टॉल्स है, सब चीज़ें हैं दोस्तों। तो पहले दर्शन पे फोकस करते हैं, दर्शन कैसे क्या होता है अपना, और फिर बाद में बाकी चीज़ों पे, क्योंकि दर्शन करना पहले इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे डर लग रहा है कि आज हमारा दर्शन हो पाएगा कि नहीं। देखो यहाँ पे मतलब स्टार्टिंग में नहीं लग रही थी भीड़ इतनी होगी, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा भीड़ दिख रही है कि क्या बताएं। हमारे 2 दोस्त गुम भी हो गए थे, लेकिन फाइनली फ़ोन का नेटवर्क है इसीलिए सब पता चल गया। तो चलो देखते हैं, अभी फाइनली मुख दर्शन के लाइन में लग चुके हैं। तो दोस्तों आप नहीं आ सके तो आप भी यहाँ से दर्शन कर लो, मैं तो आंखों से देखूंगा दोस्तों यहाँ से बाबा भीमा शंकर को। तो हाँ आप भी दर्शन कर लो। ये देखो ये कुछ यहाँ की मुख दर्शन की लाइन है। सक्सेसफुली भीमा शंकर जी का दर्शन हो चुका है दोस्तों। तो देखो सबके चेहरे पे एक अलग ही खुशी थी, क्योंकि जब हमने लाइन देखी तो हमारा मतलब ऐसा निश्चय हो गया था कि आज यहाँ पे रुकना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा दर्शन ही नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों सब साथ में, मुख दर्शन हो या कुछ भी हो, दर्शन होना इम्पोर्टेंट था। तो फाइनली दर्शन वगैरह कर लिया है हमने। ये देखो जड़ी बूटियाँ दोस्तों बेची जा रही है यहाँ पे, अपने को कुछ ज़रूरत नहीं है तो कुछ देखा नहीं दोस्तों। यहाँ पे राम मंदिर है, वहाँ का भी दर्शन कर लेते हैं। देखो इतना कोहरा, इतनी बारिश, और फिर भी देखो दोस्तों इतनी ज़्यादा भीड़ है भीमा शंकर में कि क्या बताऊँ। देखो मतलब बहुत ज़्यादा श्रद्धा है लोगों की। और देखो अभी जाते जाते दोस्तों घर के लिए प्रसाद वगैरह भी ले लिया है, और अभी निकलते हैं दोस्तों फटाफट, क्योंकि बस के टाइमिंग्स सब अलग अलग है और हमको बस नहीं मिली तो फिर लेने के देने पड़ जाएगी, बीच में नाश्ता भी करना है। ये देखो दोस्तों
बहुत से बंदर है, कुछ भी छीन के भग जाएंगे, इसीलिए ज्यादा बंदरों के सामने तो मैं शूट ही नहीं कर रहा हूँ। और ये देखो बाबा दोस्तों फुल पैर वैर आड़ा करके बैठे हैं, कुछ समझ ही नहीं रहा इनका। सुबह से बस दोस्तों पोहा खाया था, उसके बाद कुछ नहीं खाया, तो देखो यहाँ पे अभी वड़ा पाव खा लेते हैं। बाजू में कॉर्न वगैरह भी है दोस्तों, भुट्टे भी है, तो वो तो नहीं खाना क्योंकि ज्यादा बाहर का खाना, दोस्तों वड़ा पाव ही खा लेते हैं। वैसे दोस्तों खाने पीने की यहाँ पे काफी सही व्यवस्था है, आपको मतलब फुल डे मील भी मिल जाएगा और डॉर्मेटरी हॉस्टल्स। तो दोस्तों देखो फाइनली दर्शन हो चुका है, मुख्य दर्शन ही किया क्योंकि 6-7 घंटे लगने वाले थे, इसीलिए देखो अभी बस खा वगैरह भी लिया और अभी फटाफट जाना है दोस्तों बस के तरफ, क्योंकि इतना बारिश है कि बाकी का देखने में बहुत टाइम लगेगा और सही भी नहीं, सेफ भी नहीं, इसीलिए चलो फटाफट चलते हैं अभी। ये देखो दोनों ने घूमते ले लिए, एक छतरी और एक ने खुद का रेनकोट लाया था दोस्तों, तो चलो चलते हैं अभी। दोस्तों भगवान की कृपा से बस भी मिल चुकी है, मतलब जब हम बस स्टैंड पे गए थे तब हमें पता चला कि हमारी बस मिस हो चुकी है, अब सीधा 5 बजे की बस मिलेगी, लेकिन क्या पता क्या हुआ अचानक से बस आ गई और अनाउंसमेंट हो गई, तो बैठ गए और जगह वगैरह भी मिल चुकी है दोस्तों। दोस्तों फाइनली ट्रिप कंप्लीटेड, पुणे में पहुंच चुके हैं, अब बस फटाफट जाना है रूम पे दोस्तों। तो बस फोन की बैटरी तो ऑलमोस्ट डेड होने को आई है, तो ये उचित टाइम है दोस्तों व्लॉग एंड करने का। तो हाँ कैसे लगा व्लॉग कमेंट में जरूर बताना, ये देखो कैसे भग रहे हैं। और दोस्तों हर हर महादेव लिखना मत भूलना और एक लाइक और कमेंट कर देना।